रूट में घुस गया है सर, और अब कल जो है घुस गया और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा जो है ना 10-12 आदमी लेकर के जो है ना घुस गया है, लेडीज भी हैं, हम अकेले हैं सर, गांव के रहने वाला अंदाज है सर, हम कोई मैन पावर नहीं है सर, क्योंकि बहुत कम छुट्टी मिला है सर हमें, और इसका कोई सोल्यूशन हो जाए। आप अभी चले जाइए डीसी के पास तुरंत, ठीक है, और घर में आप ऑफिस में है वहाँ पर बुझे में आप वहाँ जाके बात कीजिए, हम फिर उनसे बात करते हैं, ठीक है। वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से न्याय की गुहार लगा रहा ये व्यक्ति इंडियन आर्मी का जवान है जो सीमा पर देश के लिए ड्यूटी कर रहा था, तभी उसके घर पर कुछ दबंगों ने कब्जा जमा लिया। जवान घर लौटा और कई अफसरों से मिला, आखिरकार जब बात नहीं बनी तो वो सूबे के मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। हेमंत सोरेन ने भी तुरंत एक्शन लिया और डीसी को फोन घुमा दिया। रूट में घुस गया है सर, और अब कल जो है घुस गया और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा जो है ना 10-12 आदमी लेकर के जो है ना घुस गया है, लेडीज भी हैं, हम अकेले हैं सर, गांव के रहने वाला अंदाज है सर, हम कोई मैन पावर नहीं है सर, क्योंकि बहुत कम छुट्टी मिला है सर हमें, और इसका कोई सोल्यूशन हो जाए। आप अभी चले जाइए डीसी के पास तुरंत, ठीक है, और घर में आप ऑफिस में है वहाँ पर बुझे में आप वहाँ जाके बात कीजिए, हम फिर उनसे बात करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन पहुंचकर फौजी ने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने फौजी की मदद के लिए तुरंत उपायुक्त रांची को कॉल लगाकर मामले का समाधान करने का निर्देश दिया। दरअसल मुख्यमंत्री जब प्रोजेक्ट भवन से निकल रहे थे, उस दौरान फौजी अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री से मिलता है। मुख्यमंत्री से वो फौजी अपनी फरियाद कह रहा होता है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्त रांची से फोन कर समाधान के लिए कहा। उसके बाद एप्लीकेशन में उन्होंने अपने दस्तखत कर डीसी को फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद उन्होंने जवान से कहा कि आपकी जो भी समस्या है उसका निदान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने फौजी से आगे कहा कि उन्होंने उपायुक्त से बात कर ली है, आप जाकर उनसे दफ्तर में मिल लें। और अब कल जो है घुस गया और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा जो है ना 10-12 आदमी लेकर के जो है ना घुस गया है, लेडीज भी हैं, हम अकेले हैं सर, गांव के रहने वाला अंदाज है सर, हम कोई मैन पावर नहीं है सर, क्योंकि बहुत कम छुट्टी मिला है सर हमें, और इसका कोई सोल्यूशन हो जाए। आप अभी चले जाइए डीसी के पास तुरंत, ठीक है, और घर में आप ऑफिस में है वहाँ पर बुझे में आप वहाँ जाके बात कीजिए, हम फिर उनसे बात करते हैं, ठीक है। मामले पर मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद भी जवान का कहना है कि सिस्टम उसकी मदद नहीं कर रहा है और दबंगों के आगे उसकी एक नहीं चल रही है। जवान सूबेदार के पद पर भारतीय सेना में तैनात है और मौजूदा वक्त में वो लद्दाख में तैनात है। सीमा पर वो देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन देश के अंदर उसका ही आसियाना असुरक्षित हो गया है।